माता लक्ष्मी का जन्म भी दीपावली के पावन दिवस पर ही हुआ था। समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन करते करते उसमें से 14 रतन निकले, एक रतन माँ लक्ष्मी जी थी। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब समुद्र से प्रकट हुई तब वह सोचने लगी मेरा वरण कौन करेगा। उन्हें देखकर अनेक लोगों के मन में लालच आ गई थी, पर माँ लक्ष्मी के मन में तो एक ही इच्छा थी, मैं उसका वरण करूं जिसका चित्त सदैव शांत हो, जो सत्व गुण से संपन्न हो और जिसकी सेवा करके मेरा जगत में मान बढ़ सके। कहते हैं तब सब और निहार कर माँ लक्ष्मी जी ने जब भगवान विष्णु की ओर देखा, उन्हें देखकर माँ लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न हो गया। उनमें वह सब गुण उन्हें दिखाई दिए जिनकी कामना माँ लक्ष्मी ने अपने हृदय में की थी। ऐसा सोचकर माता लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में पड़ी फूलों की माला भगवान नारायण के गले में डाल दी। दीपावली के पावन दिवस पर ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में दीपावली के इस पावन दिवस पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन और भगवान विष्णु के पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन पर माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण किया था।